हेलो फ्रेंड्स, तो शेयर मार्केट फॉर वीडियो में दोस्तों आपको स्वागत है। अभी हम बात करेंगे यस बैंक लिमिटेड की। दोस्तों थंबनेल से आपको हेडिंग से वीडियो में दिख रहा होगा कि महा उड़ान शुरू होने वाली है विथ लॉजिक फाइव अपर सर्किट। सो दोस्तों इसका क्या मतलब है? इसका तो पहली चीज आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पांच अपर सर्किट लगेंगी तभी महा उड़ान आएगा, राइट। नीचे लिखा है विथ लॉजिक, इसका मतलब कि ऊपर जो दो स्टेटमेंट थे महा उड़ान शुरू होने वाली है पांच अपर सर्किट, ये क्यों होगा, कैसे होगा, ये नीचे लिखा है विथ लॉजिक। तो अब मेरा काम है कि आपको लॉजिक बताना है कैसे, किस चीज का, कि महा उड़ान क्यों शुरू होने वाली है और पांच अपर सर्किट क्यों लगेगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। और वीडियो एकदम ध्यान से देखिएगा, बढ़ा बढ़ा के नहीं देखिए, क्योंकि आज का वीडियो ऐसे थोड़ा समझने लायक है। समझने लायक मीन्स अगर आप जनरली क्या करते हैं, बढ़ा बढ़ा के देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है। यहाँ पे विथ लॉजिक है तो आपको लॉजिक समझने के लिए पूरे वीडियो पे बने रहना है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन खींच लीजिए, जिससे इस तरह की आपको अच्छी वाली लॉजिकल वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले महा उड़ान शुरू होने वाली है, ये क्यों उड़ान शुरू होने वाली है, उसके बाद हम पांच अपर सर्किट पे आएंगे क्यों लगेगा। क्योंकि महा उड़ान अगर शुरू होने वाली है, कंफर्म हो गया, तो पांच ही अपर सर्किट क्यों नहीं, ज्यादा क्यों नहीं लग सकती, या फिर जैसे 20-25 पॉइंट एक रुपए का जंप एक दो सर्किट ही लग के छोड़ देगा, ये क्यों नहीं हो सकता। केवल पांच ही अपर सर्किट लगभग क्यों लगेगी और महा उड़ान क्यों शुरू होने वाली है। तो सबसे पहले हम वीडियो में चलते हैं। महा उड़ान शुरू होने वाली है किसकी? यस बैंक के शेयर प्राइस की। अब इसके पहले दोस्तों इसको चीजों को करने के लिए हम आते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड आपको समझना है, आपको ये देखना है, ये देखिए आपको लिखा है कि यस बैंक सोर्स 96% इन टू डेज ऑन मूडी रेटिंग अपग्रेड। दोस्तों कंफ्यूज मत होइए, मूडी की रेटिंग अपग्रेड एक न्यूज है। और ये देखिए यस बैंक इंडिया रेटिंग ने बीबी रेटिंग दिया, आउटलुक स्टेबल बताया रहे। ये कब की न्यूज है? 28 अगस्त, मतलब कल, एक दिन पहले की। सो आपको दो न्यूज देखने को मिल रही है। एक न्यूज तो देखने को मिल रही है कि यस बैंक सोर्स 96% इन टू डेज ऑन मूडी रेटिंग अपग्रेड। दूसरी न्यूज देखने को मिल रही है यस बैंक इंडिया रेटिंग ने बीबी स्टेबल दिया, रेटिंग अपग्रेड कर दिया। किसका? यस बैंक का, जिसका प्राइस रिएक्शन अभी आने बाकी है। तो अब इतना कंफर्म हो गया कि ये ट्रिगर है, ट्रिगर महा उड़ान क्यों शुरू होगी, इसका आप लॉजिक देते हैं। दोस्तों यस बैंक सोर्स 96% इन टू डेज मूवी रेटिंग अपग्रेड। अब इस न्यूज को समझिए दोस्तों, ये न्यूज आई थी 8 दिसंबर 2020। जी हाँ दोस्तों, 8 दिसंबर 2020 को न्यूज आई थी। आपको यह जानना जरूरी है, जब भी कोई रेटिंग अपग्रेड होती है किसी भी बैंक पे, स्पेशली यस बैंक पे, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। स्पेशली यस बैंक दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यस बैंक अभी क्या है कि मार्केट में परसेप्शन है, जबकि फंडामेंटल बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुका है, बट मार्केट में ये परसेप्शन है कि अभी रिकवर कर रहा है, फंडामेंटल इंप्रूव हो रहा है। बट अगर कोई रेटिंग अपग्रेड, जो यही काम ऑफिशियली करते हैं, जो सेबी में लिस्टेड है, वो एक मुहर लगा दे कि नहीं स्टेबल हो रहा है, रेटिंग अपग्रेड कर दे, तो बहुत बड़ा ट्रिगर होता है। तो देखिए 8 दिसंबर 2020 को मूडी ने रेटिंग अपग्रेड किया था तो शेयर लगभग डबल हो गया था, राइट। कैसे, ये मैं दिखाता हूं शेयर प्राइस से आपको। ये देखिए शेयर प्राइस 7 दिसंबर, ये रेटिंग अपग्रेड 6 दिसंबर को आया था, शेयर प्राइस 13 रुपए से बढ़ा था। 13 रुपए से दो ही दिन के अंदर देखिए 10 दिसंबर तक ये आके कितने पे टिका था? 20 रुपए 45 पैसे, मतलब शेयर 13 रुपए से 21 रुपए पे आ गया था। क्यों आया था? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, रेटिंग अप ग्रेड हुआ था किसका? मूडी का। मूडी कौन है? इन्वेस्टर सर्विस है, वर्ल्ड की टॉप 10 रेटिंग अपग्रेड रेटिंग क्रेडिट एजेंसी सर्विस है, जो क्रेडिट रेटिंग देती है ना इवन बैंक और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे, इवन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन छोड़ो, कंपनी के और देश के, कंट्रीज के भी फाइनेंशियल एक स्टेबिलिटी पे मुहर लगाती है और जो भी चीजें होती है बताती है। सो दोस्तों अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि ये जो न्यूज है यस बैंक सोर्स 96% ऑन द मूडी रेटिंग अपग्रेड,
उसके शेयर प्राइस का इफेक्ट हुआ था 2 दिन में। देखिए शेयर रिएक्ट किया था 13 रुपए से 21 रुपए तक, राइट। तो ऑन द इफेक्ट ऑफ मूडी रेटिंग अपग्रेड शेयर मूव 13 to 21। ठीक दोस्तों, इतिहास दोहराता है और इतिहास दोहराएगा। 8-6 दिसंबर के बाद एक दूसरी क्रेडिट रेटिंग हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आफ्टर 6 दिसंबर 2020, नाउ 28 अगस्त 2021, रेटिंग अपग्रेड, रेटिंग अपग्रेड बाई मूडी, रेटिंग अपग्रेड बाई इंडिया रेटिंग, राइट। इंडिया रेटिंग भी टॉप 10 में आती है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि इंडिया की है तो आप विश्वास ही न मानिए। इंडिया रेटिंग, रेटिंग अपग्रेड 6 दिसंबर 2021 मूडी, रेटिंग अपग्रेड 28 अगस्त 2021 रेटिंग इंडिया रेटिंग। अब दोस्तों ये जो है पहला वाला ऑप्शन, इसका प्राइस रिएक्शन आपने देख चुके कैसे, ये देखिए लगभग डबल हो गया शेयर प्राइस, यहां से लेके 21 रुपए तक, 13 रुपए से 21 तक हो चुका था। ये आपको इतिहास गवाह है, आप रिकॉर्ड में है, देख सकते हैं। अब जो है आपको इस प्राइस पे ये वाली जो रेटिंग अपग्रेड हुआ है 21-28 अगस्त को, इसके प्राइस का रिएक्शन आना है। तो दोस्तों मैंने आपको बिल्कुल लॉजिकली समझाया कि अब जो है महा उड़ान शुरू होने वाला है। ये आपको समझ में आ गया होगा, कम से कम आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि रेटिंग अपग्रेड को हल्के में नहीं लिया जा सकता। रेटिंग अपग्रेड जब होता है, तो मूडी का रेटिंग अपग्रेड हुआ था, शेयर 13 रुपए से 28 रुपए तक आ गया था, सॉरी 13 रुपए से 21 तक आ गया था। अब इंडिया रेटिंग का रेटिंग अपग्रेड हुआ है, तो शेयर कहाँ जाएगा दोस्तों, 11 रुपए पे अभी शेयर। मत समझ रहे, पिछली बार 13 से 21 गया था, इस बार 11 से 25 जाएगा। तो इसे महाउड़ान की तैयारी बोलते हैं दोस्तों, महाउड़ान। अब दूसरे, आपका दूसरा क्वेश्चन है, जो मेरा दूसरा टॉपिक है, 5 अपर सर्किट। तो दोस्तों 11 रुपए, अब ये महाउड़ान कैसे होगा, अपर सर्किट ही मार के करेगा। 11 रुपए 10 पैसे, 20% का अपर सर्किट है, इसका 20% कितना हुआ दोस्तों, फर्स्ट अपर सर्किट मारेगा तो 13 रुपए 20 पैसे पे पहुंचेगा। सेकेंड अपर सर्किट मारेगा तो ये कितने पहुंचेगा, 16 रुपए 10 पैसे पे। थर्ड अपर सर्किट मारेगा तो ये पहुंचेगा 20 रुपए पे। फोर्थ अपर सर्किट मारेगा तो ये पहुंचेगा 24 रुपए पे। अब पांचवा अपर सर्किट मार के स्टेबल होगा दोस्तों, ये ट्रेड करेगा 26 से 27 रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये चीज मैंने आपको पूरी बताई है। ये है फर्स्ट अपर सर्किट, 13 रुपए 20 पैसे यहाँ पे मारेगा, जो कि 20% अपर सर्किट है। सेकेंड अपर सर्किट मारेगा तो ये लगभग 16 रुपए पहुंचेगा। थर्ड अपर सर्किट मारेगा तो ये पहुंचेगा लगभग 20। फोर्थ अपर सर्किट मारेगा तो ये पहुंचेगा लगभग 24। पांचवा अपर सर्किट मारेगा तो ये लगभग दोस्तों 28 रुपए बनता है, बट वहां से स्टेबल होकर ये 27-26-27 रुपए के आसपास ट्रेड करेगा। तो ये महाउड़ान की तैयारी है दोस्तों, विथ लॉजिक मैंने बताई क्यों महाउड़ान होने वाला है। आपको पूरा वीडियो में पता चल गया होगा, लॉजिक वाइज पता चल गया होगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, जो लास्ट में वीडियो ज्वाइन किए हुए हैं, मूडी की रेटिंग अपग्रेड हुई थी तो शेयर डबल हो गया था, कैसे ये देखिए, यहाँ पे रेटिंग अपग्रेड हुई थी तो शेयर 13 से 21 हो गया था। अब जो है इंडिया फिर से एक बार रेटिंग अपग्रेड हुई है 28 अगस्त को, तो शेयर फिर से जो है यहाँ से सीधा बढ़ेगा 26-27 तक। पांच अपर सर्किट का एक लॉजिक बनता है। अब मैंने एक एक अपर सर्किट पे कितना प्राइस हुआ ये आपको बता दिया है। तो दोस्तों बिल्कुल दिल थाम के बैठिएगा, मंडे से उड़ान शुरू होने वाली, आप जो है बिल्कुल वॉच कीजिएगा क्लोजली। तो ये बिल्कुल वीडियो दोस्तों कमेंट करके बताइए कैसा लगा, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, लॉजिक कैसी रही, लॉजिक आपको समझ में आई नहीं आई, लॉजिक लॉजिकल थी या इलॉजिकल थी, कोई सेंस बनता है नहीं बनता है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आप लोग भी मार्केट में हैं, आप लोग भी देखते समझते हैं, सब कुछ आपको पता चलता है। मैंने एक एक चीज आपको ग्राफ वाइज न्यूज वाइज सब कुछ बताया है, और प्लीज कमेंट करके बताइएगा जिससे मैं आगे इम्प्रूव कर सकूँ। धन्यवाद।